हेलो नमस्ते सत श्री अकाल जय श्री राम, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलर तारा। हम एक बार फिर आपके सामने नई मस्ती, नई जगह, नई लोकेशन, फुल ऐश काटने वाले हैं। मैं और मेरी पूरी फैमिली, हम सब जा रहे हैं मिलके वृंदावन धाम। हम जा रहे हैं पूरे ब्रज भूमि के दर्शन करने, एक नहीं दो नहीं बहुत सारी जगह। बहुत बड़ा प्लान है, बहुत मस्ती होगी, बहुत ज्यादा मजा आएगा, और वो भी भगवान का नाम लेते हुए। तो रेडी रहे मेरे साथ, हम सब रेडी है, आप भी रेडी रहे, खूब मजा आने वाला है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अदर डे। कैसे आप लोग आए हो, मजे में होंगे। सो क्या हुआ, अभी जो है ना सडनली एक प्लान बन गया पूरी फैमिली ने ना मिलके। पूरी फैमिली बोले तो मेरे हमारे दोनों घर की फैमिलीज, सराय वाली फैमिली, तुगल का फैमिली, तो हमारी पूरी फैमिली मिलके, हम सब लोग मिलके जा रहे हैं भाई वृंदावन, नंद नगरी। हम बहुत सारी जगह जा रहे हैं। आज का हमारा गाइड अमित है और हम सब ने मिलके जो मस्ती करी है ना अभी बस में, अभी तो स्टार्टिंग है, आपको दिखाऊंगा। बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा करेंगे, बहुत मस्ती होगी। सो भगवान का नाम जपते हुए आगे बढ़ चलेंगे ऐसे। जय जय श्री राधे, बढ़ते हैं आगे। शिवा ढाबा ने ना स्टार बक्स फेल कर रखे हैं मुझे लग रहा है। भाई कैडी चाय है, देख रहे ये सारी पब्लिक जितनी भी खड़े हैं ना, सब चाय के लिए खड़े हैं यहाँ पे। इतनी गजब चाय है इसकी। अभी वैसे हमने ऑर्डर कर रहे हैं यहाँ पे चाय बड़ी, देखो सारे लोग चाय के लिए। ये जस्ट टोल के बाद है, टोल से निकलते, हालांकि इसके बाद भी बहुत सारे आउटलेट्स हैं खाने पीने के, बट सब अमित क्योंकि यहाँ आता रहता है ना, अमित ने डिसाइड किया कि चाय बेस्ट है, तो अच्छा है कि चाय बेस्ट है, वहीं रुकते हैं, वहीं चाय पीते हैं। राधे राधे। एकदम से आज मैंने कैमरा ऑन करते सब बदल जाते भाई। हाँ राधे राधे। उसके अलावा भी भैया राधे राधे। भाई क्या भजन कीर्तन करता है अमित यार, कहाँ से स्टार्ट करो मुझे पता ही नहीं। पहले वो वाला मंत्र भी करेंगे, एक बार फिर से बुलवाना। सारे है ना, कोई रहता रहेगा पीछे, सब आगे। एक बार कशिश बेटा, एक बार आवाज लगा दे विंडो से ना, सराय 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 मंडाली 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 तुगलका तुगलका तुगलका। और शेरपुर। हाँ शेरपुर शेरपुर शेरपुर, सॉरी दो दो बहने और हैं मेरे साथ। तो चलो भाई फिर चले, हम चलते हैं अभी भंगवा। शाबाश शाबाश पहलवान मोहल्ला पहलवान। तो अभी हम सब लोग जा रहे हैं भगवान जी के दर्शन करने, बहुत सारी अलग अलग जगह में। तो अभी मुझे भी नहीं पता आज की आइटनरी अमित के हिसाब से। और तो गाइस अभी आ गए हम बलदेव जी के मंदिर। बलदेव जी आपको पता है श्री कृष्ण भगवान के बड़े भाई को कहते हैं बलदेव जी। तो बलदेव जी के मंदिर आना का मतलब समझ लो कि अगर आपने बलदेव जी के मंदिर नहीं आए ना, तो आप पूरी ब्रज भूमि घूम लोगे ना, तो वो भी अधूरी है। तो बलदेव जी के मंदिर आना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी हम पहुँच गए ऑलमोस्ट सारे, और पीछे पीछे मेरे मंदिर देखिए तो सब आ ही जा रहे हैं। और सामने मंदिर है 100-200 मीटर पहले हमने गाड़ी लगा दी है। भैया अभी हम आ चुके हैं मंदिर के अंदर, और ये पूरा पुराने हिसाब से बना हुआ है, सब ऐतिहासिक 9 बड़ा पेड़ है भाई, बहुत बढ़िया। सो अभी हम किसी भी दुकान से प्रसाद लेते हैं, वहीं सब अपनी चप्पल उतार देंगे और हम बढ़ते हैं यहाँ से आगे। छोटी सी मार्केट है, जैसे कि इस तरह के धाम पे मार्केट होती है ना, उसी लेवल की मार्केट है। छोटे छोटे पूजा पाठ के सारे सामान मिल रहे हैं, कपड़े वपड़े मिल रहे हैं, छोटे बच्चों के लिए लोग लेते होंगे, छोटी दुकानें जो दिख रही है भगवान जी के रिलेटेड सामान और कपड़े वगैरह सब है। ये सामने दाऊ जी का मंदिर है। अभी हम सब यहाँ से इकट्ठे होके सीधे जाएंगे मंदिर के अंदर। मंदिर श्री दाऊ जी महाराज बलदेव, जय हो जय श्री। ये देखो भाई मंदिर ना पूरा यहाँ पे स्क्वायर में कुछ रूम्स और इस तरह से बने हुए हैं, बहुत बड़ा एक चौतरा सा जिसे कहते हैं, बहुत बड़ा चौतरा। सामने दाऊ जी का मंदिर है, उनकी मूर्ति लगी हुई आपको दिखाऊंगा विचार के।
बट देखो कितना पीसफुल और कितना शांत जगह है, भीड़ बहुत कम है, लोग बहुत कम आए हुए हैं, अच्छी बात है। यहाँ पे एक्चुअली में बहुत लोग ना इन मंदिरों के बारे में कम जानते हैं, इन मंदिरों के बारे में, तो इसलिए भी भीड़ कम है। और कुछ सामने प्रोग्राम भी हो रहा है, स्टेज वगैरह लग रहा है, हो सकता है कोई प्रोग्राम होने वाला हो। अभी दाऊ जी के दर्शन कराता हूँ, ये देखो दाऊ सा दाता नहीं जग में कोई एक, दीनन पे रक्षा करे टारे विधन अनेक। कुछ प्रोग्राम होने की तैयारी चल रही है, यहाँ पे मेरे पीछे स्टेज बना हुआ देख ही रहे हो, तो हो सकता है कोई भजन कीर्तन ऐसा कोई प्रोग्राम होगा। ये है दाऊ जी की मशहूर मिश्री, जो प्रसाद भी यहाँ पे ये चढ़ता मालूम है ना। हाँ। तो लेकिन मेरे को देख के इतनी अच्छी लग रही है, धागे वाली मिश्री हमारे यहाँ मिलती ही नहीं, चढ़ता अंडा। हाँ ये चढ़ता है वहाँ पे, और ये मिश्री जो है यहीं पे मिलती है हमारे यहाँ, इतनी स्वच्छ और इतनी अच्छी मिश्री मिलती नहीं है। ये मिश्री ना मुझे हमेशा से पसंद है, तो मैंने कहा भैया ले लेते हैं, इतनी अच्छी मिश्री मिल रही है, ये मिश्री अपने यहाँ दिल्ली में तो मिलनी है नहीं, तो अभी चलते हैं अपनी गाड़ी में लेके। हमारी गाड़ी ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, सब आगे आगे चली रहे, चलते अगली डेस्टिनेशन वो बताएंगे गाड़ी में। देखो भैया जूही चावला पानी कैसे पीती है, जूही चावला पानी पी रही है, जूही चावला हंसे के पानी पीते हुए। ओ पानी रह गया हुआ है मेरे साथ, राधे राधे शाम मिला दे। राधे राधे। राधे राधे। तो अभी जो है ना हम यहाँ की भूमि पे आ गए, यहाँ के हिसाब से हम रंग चुके हैं, देखो हमारे गालों पे, हमारे माथे पे हमारा श्रृंगार हो चुका है भाई। अब हम जा रहे हैं रमन की रेत, इस जगह का नाम है, इसके पीछे क्या ऐतिहासिक स्टोरी है क्या है वो अंदर चल के बताएंगे। हमने गाइड हायर कर लिया और गाइड बताएगा इसके बारे में, यहाँ पे क्या क्या है और क्या है और क्यों है और क्या कब से है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, सभी लोग रेडी है, अंदर जा रहे हैं, गेट पे खड़े हैं। हाथी घोड़ा बाल की, हाथी घोड़ा बाल की, हाथी घोड़ा बाल की, हाथी घोड़ा बाल की। भाई ये है एक्चुअली में रमन की रेती, रमन की रेती से क्यों कहते हैं, जितना भी आप यहाँ पे बालू या रेत देख रहे हैं ना, जिसमें ये सब लोग लेटे हुए हैं और मस्तियाँ कर रहे हैं, एक दूसरे पे डाल रहे हैं, भगवान कृष्ण खुद यहाँ पे ऐसे ही किया करते थे। जी हाँ, अपनी गैया चराते थे और यहाँ ऐसे ही मिट्टी में लेटा करते थे, उन्हें इस सब में बहुत मजा आता था, इसलिए यहाँ के सभी लोग इस तरह से। जी देखो जय जय श्री राधे, अलग ही मंजर है भाई यहाँ पे, तो अलग ही मंजर है, लोग खोए हुए हैं भगवान की लीलाओं में, खोए हुए हैं भाई, ऑसम। कहाँ गए हमारे गाइड भाई, कहीं भी बैठते हो, क्या टेंशन ले रहे हो, बैठ जाओ बेटा कहीं भी। की घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की, घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की,
मैया लाल की। जय। यहाँ पे आने का दो विशेष महत्व है, पहला यहाँ पे भगवान का घर बनाते हैं, दूसरा यहाँ पे लोड सब लोग अपने आगे से प्लेन करेंगे, सब लोग मुख में डालेंगे, मुख से बोलेंगे केशवाय नमः, केशवाय नमः। आप जितना मर्जी यहाँ लोट लगा लो, अपने ऊपर बालू डाल दो, किसी और पे बालू डाल दो, वो बालू आपकी बॉडी पे और कपड़ों पे रुकेगा ही नहीं। ये चमत्कार है भाई। शाबाश शाबाश, उधर जाए तो राधे राधे, इधर आए तो शाम शाम। सही में ही ना चमत्कार है, क्योंकि जितना भी ये रेत है ना, जितना भी बालू है, हमारी बॉडी पे हमारे कपड़ों पर रुक ही नहीं रहा। कितनी हमने पलटी हमारी सबने खड़े हुए, और उसके बाद भी हमारे ऊपर बिल्कुल भी वो बालू चढ़ा ही नहीं, चमत्कार। सो अभी हम जा रहे हैं अंदर, यहाँ पे भंडारे का आयोजन होता है, प्रसाद बढ़ रहा है, एक तरह से बंद होने वाले हैं डोर। चलो 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 चलो, देखो बहुत बड़ी जगह है, यहाँ पे अंदर बिठा के भंडारा होगा ना, जिस जिसने खाना है सभी ने खाना, एक एक थाली सबने ले लिया, खुद उसे हमने वहाँ वॉश कर लिया, और प्रसाद जो लंगर हॉल है उसमें हम जा रहे हैं अंदर, और जितना खाया जाएगा उतना ही वेस्ट नहीं करना चाहिए। सक्षम वैसे भी नहीं देते आपके बारे में। इतना प्यारा, इतना टेस्टी भंडारा हम खा के आ रहे हैं ना, रोटी दाल आलू की सब्जी और आमरस, इतना टेस्टी, इतना प्यारा, इतना अच्छा भाई, मज़ा आ गया। थोड़ा थोड़ा खाया, ज़्यादा नहीं खाया, उसी में संतुष्टि होगी, ऐसे खाना में जाने से संतुष्टि होगी, अच्छा कुछ नहीं होता। तो अभी हम सब लोग निकल रहे हैं ऐसे बाहर, हम जा रहे हैं सीधे बस की तरफ, फिर बात करते हैं होटल से एग्जिट लेके।